हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी, इसी बात पर बनता है लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहे। आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें हम बात करने वाले हैं मैट्रिसेस के ऑपरेशन की। जी हाँ, ऑपरेशन हम करने वाले हैं, लेकिन वो चीर फाड़ वाले ऑपरेशन नहीं करने, नंबर्स वाले ऑपरेशन करने। किस तरीके से ऑपरेशन करेंगे, क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, सारा डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट जो है सारा का सारा आपको इस चैनल पर अवेलेबल होगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक ही काम करके रखना है जो मैंने पहले बोला, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए, सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो कैसे हमें ऐड करना है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। कोई बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप मैट्रिसेस को ऐड करोगे तो मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन देयर सम ए प्लस बी इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो एलिमेंट्स हमें कैसे मिलेंगे, आपको उन दोनों जो मैट्रिक्स होंगी उन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। जैसे आपके पास मान लो सपोज मैट्रिक्स ए है, अब ए का एलिमेंट आया यहाँ पर 1 -2 3 2 1 5, इसका ऑर्डर हो गया 2 बाय 3। ऑर्डर के बारे में ऑलरेडी आपको पता ही है कि सेकेंड रो, दो रो हैं इसके अंदर और तीन कॉलम हैं। एक दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास आई बी, हमने यहाँ पर लिखा 1 6 2 -2 3 5। अब आपको इन दोनों को करना है ऐड। जब आप इनको ऐड करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको देखनी है कि ऑर्डर दोनों का सेम है। ये भी 2 बाय 3 है, ये भी 2 बाय 3 है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है दैट मीन्स वो आपस में ऐड हो सकते हैं। ऐड हो सकते हैं तो ऐड करेंगे कैसे, करने के लिए आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अभी कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड क्या है, क्यों परेशान बिल्कुल मत हो आप। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि जो यहाँ पर पहला एलिमेंट है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से भी आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ही एलिमेंट ऐड करना है, यानी 1 + 1 इन दोनों को कर देंगे हम ऐड। उसके बाद ऐसे ये वाला एलिमेंट ऐड करेंगे हम इसके साथ, आ जाएगा -2 + 6। फिर ये वाला एलिमेंट हम ऐड करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा 3 + 2। फिर सिमिलरली ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड करेंगे 2, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो -2। 1 + 3 और यहाँ पर करेंगे 5 + 5। इस तरह से आप इन एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड करके आपके पास आंसर क्या आ रहा है, देखो 1 + 1 2 हो जाएगा, इधर इधर -2 + 6 ये आ जाएगा 4, 3 + 2 ये आ गया आपके पास 5, इधर से 2 - 2 ये बन गया 0, 1 + 3 ये आ गया 4, 5 + 5 ये आ गया 10। तो ये बन गया इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन। अब सेम कंसेप्ट आपको डिफरेंस में लगाना है। तो डिफरेंस में भी कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन दे आर डिफरेंस ए माइनस बी इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। मतलब सेम ही चीज़ है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में सेम ही चीज़ लगनी है, कि पहले आपको ऑर्डर देख लेना है कि ऑर्डर सेम है या नहीं है। ऑर्डर अगर उनका सेम है तो आप उनको ऐड कर सकते हो या उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, जैसे हमने ऐड किया है, अब सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो क्या करना है, ए माइनस बी करना है। तो ए आपके पास यहाँ पर 1 और ये -1, ठीक है, माइनस करना है तो इसलिए बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर -2 - 6, इधर से करेंगे 3 - 2, उसके बाद 2 और ये ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 2 - -2, या आप सीधा इसको लिख सकते हो +2। 1 - 3 इधर से आएगा 5 - 5, इसको सॉल्व करते हैं, देखो 1 - 1 0 आ गया, -2 - 6 - 8, 3 - 2 1, 2 और ये -- हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2 4, 1 - 3 - 2, 5 - 5 0, ये बन गया मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। तो बहुत सिंपल ऑपरेशन है दोनों, बस सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। करना कैसे है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देना या फिर सब्ट्रैक्शन पूछा है तो सब्ट्रैक्शन कर देना है। अब अगर हम बात करें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की, इनकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं,
देखो उनको समझ लेते हैं, उनको प्रूफ के साथ समझते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज यहाँ पर है। सबसे पहले कहता है कि ए प्लस बी और बी प्लस सी ये दोनों बराबर होंगे और इसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव। तो आपसे पूछा जाता है कि इस मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो आंसर देंगे यस मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कैसे क्यों उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं यहाँ पर, एक 2x2 मैट्रिक्स ले लेते हैं, छोटी मैट्रिक्स ले लेते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज समझने के लिए। एक ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं और एक सी ले लेते हैं। अब पहली वाली प्रॉपर्टी है उसमें कहता है कि आप ए प्लस बी निकालो या बी प्लस ए निकालो, एडिशन में आपका जो आंसर है सेम रहेगा। देखो ए प्लस बी करेंगे दोनों का ऑर्डर सेम है, इस वाले एलिमेंट को इसके साथ ऐड करेंगे तो 1, ये माइनस 1 है तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 2 प्लस 2 ये आ गया 4, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 0 4 ये आ गया। अगर हम बी प्लस ए निकालें यानी पहले हम बी को लिखें बाद में हम ए को लिखें तो क्या होगा, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, 2 प्लस 2 ये भी 4 होगा, 2 प्लस 3 5, 0 प्लस 4 प्लस 4। तो क्या हुआ यहां से a प्लस बी और b प्लस ए दोनों की वैल्यू आ गई बराबर। ये इस प्रॉपर्टी में बता रहा है कि अगर आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आंसर बराबर ही आते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि जो मैट्रिक्स एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में कहता है कि अगर आप a प्लस बी को ऐड करके फिर उसमें c ऐड कर दो, देखो a प्लस बी हमने निकाल रखा है इसमें हम c ऐड कर देते हैं, तो a प्लस बी हमारे पास ये आया था, इसके अंदर आप c ऐड करो, c आपके पास ये है। अब यहां से देखो क्या रिजल्ट बनता है, 0 प्लस 2 2 हो गया, 4 माइनस 2 2 हो गया, 5 प्लस 0 5 आ गया, 4 प्लस 1 5 आ गया, ये आ गया। अब राइट हैंड साइड में कहता है कि आप पहले b प्लस सी को ऐड करो फिर उसमें a को ऐड करो, तो इसको हम निकालते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो a मैट्रिक्स तो आपके पास ये है ही 1 2 3 4, b प्लस सी करके आपके पास क्या बनेगा, देखो b और c इन दोनों को आप ऐड करो, माइनस 1 प्लस 2 1 आ गया, 2 माइनस 2 0 आ गया, 2 प्लस 0 2 आ गया, 0 प्लस 1 ये आ गया। अब इन दोनों को हमने ऐड करा तो हमारे पास आया 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 5। अब इसको चेक करो कि ये वाला और ये वाला दोनों सम बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, ऊपर भी 2 2 5 5 है यहाँ भी 2 2 5 5 है, दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी यहाँ से दूसरी प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी कि जो मैट्रिक्स एडिशन होता है ये एसोसिएटिव भी होता है। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर। तीसरी प्रॉपर्टी में कहता है कि फॉर एनी मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट इज जीरो मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए प्लस जीरो जीरो प्लस ए इज इक्वल्स टू ए। ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर दो, नल मैट्रिक्स को ऐड कर दो, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर जीरो को ऐड कर दूं तो फर्क क्या पड़ेगा, कुछ नहीं, 2 2 5 5 ही रहेगा। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर हम जीरो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उससे कोई भी आंसर पे फर्क नहीं आता, चाहे आप ए प्लस जीरो करो चाहे आप जीरो प्लस ए करो, आंसर आपका ए ही रहेगा। और आंसर अगर ए रहेगा तो इसलिए हम जो ओ मैट्रिक्स होती है, नल मैट्रिक्स होती है, उसको बोलते हैं दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स, तो आंसर होगा हमारा नल मैट्रिक्स, क्योंकि नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करने पर हमारे आंसर में कोई भी चेंज नहीं होता है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कहता है फॉर एनी मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स माइनस ए। अगर एक मैट्रिक्स ए है तो एक जो मैट्रिक्स है माइनस ए भी एग्जिस्ट करेगी, और अगर हम उन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा आंसर जो है नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम उसका नेगेटिव ऐड कर दें, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये है ए मैट्रिक्स, हमारे पास है 1 2 3 4, और अगर हम माइनस ए लेंगे तो माइनस ए का मतलब है सारे एलिमेंट इसके माइनस के हो गए। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ए के अंदर हम माइनस ए वाली मैट्रिक्स ऐड कर दें, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, तो 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। ऐसे अगर आप माइनस ए प्लस ए करोगे तो भी आंसर आपका वही रहेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स माइनस ए।
या फिर हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ प्लस ए। चाहे आप प्लस ए का माइनस ए बता दो, चाहे माइनस ए का प्लस ए बता दो, बात एक ही है। अगर हम रीड करेंगे तो करेंगे प्लस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए, या फिर हम माइनस ए बोलेंगे माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ प्लस ए। तो आपसे क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी मैट्रिक्स, आंसर देंगे माइनस बी। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी, आंसर देंगे हम प्लस बी। ठीक है, प्लस मतलब आगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्लस वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ कि बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी और माइनस बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास होगी स्टार्टिंग की चार प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कहता है कि ए प्लस बी और ए प्लस सी, अगर ये दोनों आपके पास बराबर है, अगर ए प्लस बी और ए प्लस सी दोनों बराबर है, तो आप ये कह सकते हो ए और ए कैंसिल करके आप ये कह सकते हो कि बी और सी दोनों बराबर है। इसको बोलते हैं हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि ए यहाँ पर लेफ्ट में लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर आप राइट में लिखकर कैंसिल करते हो बी प्लस ए और सी प्लस ए, अगर आप ए कैंसिल करके आप बताते हो कि बी इक्वल्स टू सी, इसको बोलते हैं हम राइट कैंसिलेशन लॉ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज और लॉज आपको ध्यान रखने क्वेश्चन में, जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं अक्सर उसमें इनकी जरूरत पड़ती है, और आपको ये प्रूव करके, वहां पर प्रूव तो नहीं करनी, इनका यूज करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट कंसेप्ट पर, जो कि है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ठीक है, ये टॉपिक और हम इस वीडियो के अंदर आज करेंगे, फिर उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर हम कर रहे हैं एक मैट्रिक्स का स्केलर के साथ। स्केलर मतलब क्या, देखो मैट्रिक्स एलजेब्रा के अंदर दो ही तरह की क्वांटिटी होती है, या तो मैट्रिक्स होती है टर्म या फिर स्केलर होती है, यानी आप किसी भी नंबर को आप ले लो वो स्केलर नंबर यहाँ पर काउंट करेंगे। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये कहता है कि इफ के इज एनी स्केलर नंबर, इफ के इज एनी स्केलर नंबर एंड ए इज एनी मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए बाय के इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बाय के एंड इट इज डिनोटेड बाय के ए। तो क्या कहना चाह रहा है ये, मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए 1 0 3 2 1 5, अगर हम यहां से निकालें 2a, तो यहां पर जो 2 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये स्केलर क्वांटिटी है। इस 2 को हम एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये 2 1 2, जैसे 2 0 0, 2 3 6, इसको करेंगे 2 2 4, 2 1 2 एंड 2 5 10। यानी जितने भी एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट को छोड़ना नहीं है, सारे एलिमेंट को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप 3 लिखते हो तो सारे एलिमेंट को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 लिखते हो तो सारे एलिमेंट को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। यानी स्केलर मल्टीप्लीकेशन में जिस भी स्केलर नंबर से आप मल्टीप्लाई करने वाले हो, तो आपको हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज में कहता है कि ए एंड बी अगर मैट्रिसेस आपको दे रखी है और लैम्डा और म्यू दो स्केलर क्वांटिटी दे रखी है, तो इसका मतलब अगर आप लैम्डा प्लस म्यू को ऐड करके फिर ए से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, लैम्डा को ए से, म्यू को ए से, फिर बाद में इसके रिजल्ट को ऐड करो, तो आंसर आपका बराबर ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लैम्डा की जगह वैल्यू ले लेता हूँ 2 और म्यू की जगह वैल्यू ले लेता हूँ 3। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप 2 + 3 को ऐड करके फिर ए से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप 2 को पहले ए से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को ए से मल्टीप्लाई कर दो, आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों तरफ से आपका रिजल्ट सेम रहेगा। ये होगी हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, मान लो 2, और दो मैट्रिक्स है हमारे पास ए प्लस बी, तो आप क्या करो कि दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, और ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसको 2 से कर दो मल्टीप्लाई। या फिर दूसरा ऑल्टरनेट क्या है इसमें, कि आप इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई कर दो, पर बाद में दोनों के रिजल्ट को ऐड कर दो, तो भी आंसर क्या होगा, बराबर ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि लैम्डा इंटू म्यू ए, कि लैम्डा को, लैम्डा की जगह हमने लिया है 2, 2 इंटू में 3a, तो हमारे पास स्केलर है, एक 2 है और एक 3 है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने पहले a को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और जो आंसर आएगा उस आंसर को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि हम पहले मल्टीप्लाई कर दें 2 से, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें
और बाद में फिर इसको ए से मल्टीप्लाई कर दें यानी 6a कर दें। तो चाहे आप यहां से रिजल्ट निकालो, चाहे यहां से निकालो, चाहे यहां से निकालो, तीनों तरफ से जो रिजल्ट है वो हमारा बराबर ही रहेगा। आगे कहता है यहां पर माइनस लैम्डा ए करो, मतलब वो तो सेम ही होगा कि माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो आप पहले माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब माइनस टू ए कर दो, या फिर आप ये करो कि पहले आप टू ए निकाल दो बाद में माइनस कर दो, या फिर आप ये करो कि पहले मैट्रिक्स का माइनस कर दो और बाद में उसको टू से मल्टीप्लाई कर दो। तो इन तीनों केसेस में भी हमारे रिजल्ट बराबर ही रहते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो ये तीन ऑपरेशंस हम यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे हैं, इसके कुछ क्वेश्चन नोट करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ये ऑपरेशंस आपको यूज करने हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपको ए बी सी तीन मैट्रिक्स दे रखी है। तो इसमें कहता है कि ए प्लस बी निकालो। ए प्लस बी सिंपल क्या करना है, इन दोनों के एलिमेंट्स को आपस में आपको ऐड कर देना है। ऐड करेंगे 2 + 1, 4 + 3, 3 - 2, 2 + 5, ये आंसर आ गया आपका 3 - 7 - 1 - 7। ठीक है, आगे कहता है कि 3a - c निकालो। तो अब यहां क्या करना है आपको, पहले 3 को a से मल्टीप्लाई करना है, 3 को a से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से c को माइनस करना है। पहले मल्टीप्लाई करो 6, 12, 9, 6, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 6, ये माइनस और ये माइनस मिलकर बनेगा प्लस, 6 + 2 = 12 - 5 - 9 - 3 6 - 4, 6 + 2 = 8 हो गया, 12 - 5 = 7 हो गया, 9 - 3 = 6, 6 - 4 = 2। इस तरह से हमने यहां पर ये वाला ऑपरेशन भी यूज कर लिया। यहां कहता है कि ये वाली जो मैट्रिक्स है ये a प्लस दिस के बराबर है, तो इसमें a की वैल्यू क्या है। तो इसमें सिंपल क्या करना है, जैसे आप नॉर्मल ट्रांसपोजिशन वाले क्वेश्चन करते हो, इस ए को यहीं पर रखो, इस मैट्रिक्स को आप यहाँ शिफ्ट करो। अब इसको अगर आप यहाँ पर शिफ्ट करोगे, यहाँ तो ऑलरेडी ये है ही, अब इसको शिफ्ट करोगे यहाँ पर तो माइनस साइन आ जाएगा इज इक्वल्स टू ए। तो इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे, वो हमारे पास मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ जाएगी। तो 9 यहाँ पर -1, ये -1 - 2, इधर करेंगे 4, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस, -2 - 0 - 1 - 4 - 3 - 9, ये दो बार लिख दिया, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व कर दो, 8 - 3 - 5 - 2 - 3 - 6, ये बन गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स में ये दे रखे एलिमेंट, यहाँ पर ये कोमा है इनके बीच में, 1 - 2 - 5 - 3 - 0 - 4, सी हमारे पास ये दे दिया, फाइंड ए प्लस 2b - c। ये हमें पता है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना उसको हम इस तरीके से फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो हमने डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर कहता है कि आपको चाहिए ए चाहिए प्लस 2b चाहिए और 3c चाहिए। तो आपने ए तो आपके पास ये है ही, 2b निकाल लो। 2b का मतलब है 2 के एलिमेंट को, b के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 - 3 = 6 - 0 - 4 - 8, 3c, c के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो, -6 - 21 - 0। अब आपको चाहिए a प्लस 2b - 3c, इसको आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से पहला एलिमेंट लेंगे आप 1, यहाँ से 2b का एलिमेंट लेंगे 6, और यहाँ पर -3c है तो यहाँ ऑलरेडी माइनस आ रहा है, तो ये माइनस माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस। अब आते हैं सेकंड एलिमेंट पर, यहाँ से -2 हुआ, यहाँ से 0, यहाँ से हो जाएगा -21। अब थर्ड एलिमेंट पर आते हैं, यहाँ पर 5, इधर -8,
यहाँ पर माइनस जीरो, इनको सॉल्व करते हैं, ये आ गया आपके पास 13, इधर से माइनस 23 और आ गया माइनस 3, तो ये आपके पास एलिमेंट्स आ गए, यानी ये डायगनल मैट्रिक्स बन जाएगी जिसके ये डायगनल एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कहता है कि ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर दो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, एक तो हमने जो पीछे किया था सबसे पहले इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वो भी यूज होगा, और जो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं वो भी यूज होगा। तो पहले आप इन दोनों को ऐड करो, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया 3a 3b 3c 3d इज इक्वल्स टू यहाँ पर a प्लस 4 6 प्लस a प्लस b माइनस 1 प्लस c माइनस 1 प्लस c प्लस d और 2d प्लस 3। अब इन दोनों एलिमेंट्स को आप, दोनों मैट्रिक्स को आप कंपेयर करो, यहाँ से 3a है, 3a की वैल्यू इसके बराबर रखेंगे a प्लस 4 के, इसको आप इधर लाएंगे 2a इक्वल्स टू 4, यानी a की वैल्यू तो आ गई 2। यहाँ पर 3b को इसके बराबर रखो, 3b इक्वल्स टू 6 प्लस a प्लस b, इस b को इधर ला के माइनस कर दो, 2b हो गया, 6 प्लस a, a की जगह रख दो आप 2, तो 2b की वैल्यू आ गई 8, यानी b की वैल्यू बनेगी यहाँ से 4। उसके बाद ये वाला एलिमेंट ले लो आप पहले, 3d इक्वल्स टू 2d प्लस 3, तो इसको उधर लाएंगे, d की वैल्यू आ गई 3। उसके बाद फिर ये लास्ट एलिमेंट लेते हैं ये वाला, 3c इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस c प्लस d, ये हमने पहले इसलिए लिया क्योंकि यहाँ से आपको d की वैल्यू इजीली मिल गई। अब d की वैल्यू 3 आप यहाँ पर पुट कर देंगे और इस c को इधर ले आएंगे, तो इधर आ जाएगा 2c, इधर d की जगह 3, 2c इक्वल्स टू 2 और c की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरह से a b c d चारों की हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आपको इनके ऑपरेशंस यूज करने हैं, बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।